असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम इकराम दिस इज द्थ लेक्चर इन सीरीज ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे हैं आप छाला अच्छे होंगे पिछले लेक्चर में हमने बात शुरू की थी प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइज से पी एल डी से पी जो हैं काफ़ी इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न लॉजिक डिज़ाइन में जैसे हमने बताया था कि बाकी जो अगर कन्वेंशनल तरीका है लॉजिक गेट से या फंक्शनल डिवाइसिस से कोई सर्किट बनाएं तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा पी की मदद मतलब से आप बड़ा कॉम्पैक्ट किस्म का सर्किट बना सकते हैं उसमें फ़ायदा ये है कि आप उसको आराम से प्रोग्राम करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं उसमें सो so, आइए आज इससे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं पी से इससे पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे उनको जरा रिव्यू कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी डी मल्टीप्लेक्सेस से डी मल्टीप्लेक्सर बेसिकली हमने कहा था एक फंक्शनल यूनिट है फंक्शनल डिवाइस है और एक इनपुट होता है मल्टीपल आउटपुट्स हैं बेसिकली एक सोर्स है मल्टीपल डेस्टिनेशंस हैं तो आप कोई भी आउटपुट सेलेक्ट कर सकते हैं और जो डाटा इनपुट पर वो रूट कर सकते हैं किसी भी आउटपुट पे दो अपलिकेशन हमने स्टडी की थी एक तो ये है कि आपका जैसे एल यू है उसका आउटपुट जो है उसके आउटपुट पे जो भी रिजल्ट आ रहा है वो डिफरेंट आपने रजिस्टर्स में या मेमोरी यूनिट्स में स्टोर करना है तो एक तरीका तो ये है कि आप डी मल्टीप्लेक्सर लगा लें उसमें उसके इनपुट पर जो भी वैल्यू आएगी वो किसी भी आउटपुट पर आप भेज सकते हैं तो आउटपुट जो है डी मल्टीप्लेक्सर के वो डिफरेंट रजिस्टर्स के साथ कनेक्टेड होंगे दूसरी हमने एप्लीकेशन जो स्टडी की थी वो थी सीरियल इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो उसको पैरल में कन्वर्ट करना सो so बेसिकली आप एक डी मल्टीप्लेक्सर यूज़ करेंगे उसका जो इनपुट है उस पर वो सीरियल इन्फॉर्मेशन आ रही है आउटपुट पे आपको पैरल फॉर्म में डाटा अवेलेबल होगा अगर आप एक सर्टन टाइम सीक्वेंस में जो डिफरेंट uh, आउटपुट्स हैं वो बारी बारी सेलेक्ट करते जाएं तो उन पे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो स्टोर कर लें तो बेसिकली आपको वो सीरियल जो डाटा है वो पैरल फॉर्म में मिलेगा इस पर हमने बात ख़त्म की थी फंक्शनल डिवाइस पे उसके बाद हमने डिस्कशन शुरू की थी पी एल डीज पर प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस हमने बताया था कि बेसिकली हर प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस में दो किस्म की अरेज होती हैं एक एंड अरे होती है और एक और अरे होती है उसमें अब दोनों को आप प्रोग्राम कर सकते हैं एंड अरे बेसिकली उसके आउटपुट्स जो हैं और अरे के साथ कनेक्टेड होते हैं जो इनपुट है पी को वो बेसिकली आप अप्लाई कर रहे होते हैं एंड गेट अरे पर और जो आउटपुट पी डिवाइस से मिल रहा है वो और गेट के जो अरे है उसकी आउटपुट से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है चार डिफरेंट टाइप्स की हमने पी एल डी डिस्कस की थी पहली जो टाइप थी पी रोम थी प्रोग्रामेबल रोम उसका हमने ये बताया था कि जो एंड गेट अरे है वो पहले से प्री प्रोग्रामड है और वो उसको डी कोडर के तौर पर प्रोग्राम किया हुआ है सो so, जो यूज़र है वो सिंपली उसके और गेट अरे जो है उसको प्रोग्राम कर सकता है और पी रोम जो है वो एज एज एन एप्लीकेशन को एक डिवाइस के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा उसका एक खास मकसद है बेसिकली इट स्टोर्स ए प्रोग्राम पी रोम को हम बाद में भी देखेंगे उसके बाद हमने बात की थी पी एल एज पी एल एज इज़ प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे ये हमने कहा था काफ़ी फ्लेक्सिबल है इसमें जो एंड गेट अरे है और, और गेट अरे है दोनों प्रोग्राम आप कर सकते हैं उसमें सो एज़ कम्पेयर टू पी राम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इसमें जो प्रॉब्लम थी कॉम्प्लेक्सिटी uh, इंक्रीज़ होगी क्योंकि आप दोनों रेज प्रोग्राम कर रहे हैं तो ज़्यादा सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा और इसमें डिलेज भी आ रहे हैं सो so, इसको इम्प्रूव करने के लिए एक तीसरी टाइप है पी uh, एल डी डिवाइस की पी एल प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक का जो एंड गेट अरे जो पहले अरे आता उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं और जो और गेट अरे है वो फिक्स्ड है उसमें आप प्रोग्राम नहीं कर सकते उसमें और चौथी हमने जो डिवाइस देखी थी डिस्कस की थी वो थी जेनेरिक अरे लॉजिक डिवाइस सो गैल कहते हैं जी uh, एल में जो है अगेन उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो स्ट्रक्चर है इट्स सिमिलर टू पैल अगेन एंड गेट जो अरे है उसको आप कन्फिगर कर सकते हैं प्रोग्राम कर सकते हैं और जो और गेट अरे है उसको आप प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। एक और जो इसकी खसूसियत है बेसिकली आउटपुट्स जो हैं गैल डिवाइस के वो आप प्रोग्राम कर सकते हैं उसमें जो कि बाकी जो डिवाइसिस में आपके पास ये कैपेबिलिटी नहीं है और एक और जो खासियत है गैल डिवाइस की आप उसको बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं उसमें जो कि बाकी तीन डिवाइसेस में आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है एक दफ़ा प्रोग्राम कर दिया तो दैट्स इट तो अगर आपने ग़लती की है दोबारा से आपको करना पड़ेगा किसी और नई डिवाइस को लेके हमने पिछले लेक्चर में एक पैल सिंपल पैल डिवाइस को देखा था उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको प्रोग्राम भी किया था एक सिंपल एस एक्सप्रेशन हमने प्रोग्राम भी की थी कुछ जो पैल्स हैं उनके आउटपुट्स को आप कन्फिगर कर सकते हैं आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं तो हमने वो तीन ऑप्शन देखी थी एक तो ऑप्शन ये है कि आपके जो और गेट का आउटपुट है वो स्ट्रेट अवे आपके आउटपुट पेंस पर मिल जाए दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जो आउटपुट पेन है उसको कन्फिगर कर सकते हैं एज एन इनपुट पेन सो उधर आप कोई एक वेरिएबल अप्लाई करेंगे वो वेरिएबल जो है वो कनेक्ट हो जाएगा एंड गेट अरे जो है उसकी इनपुट पे और आप जो आउटपुट है वो भी आप डायरेक्टली इनपुट पे वापस भेज सकते हैं तीसरी जो ऑप्शन थी वो हम जो है और गेट का आउटपुट है उसको एक्टिव लो बना सकते हैं या एक्टिव हाई बना सकते हैं बेसिकली इस ऑप्शन को हम कह रहे थे कि प्रोग्राम पोलैरिटी सो so, ये तीन ऑप्शनस हैं इसके थ्रू आपकी आउटपुट जो है डिफरेंट हो सकती है इसमें पैल डिवाइसिस के बाद हमने पी एल ए डिवाइस को भी देखा था प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे प्रोग्रामेबल लॉजिक अरे अगर आपको याद हो हमने बताया था कि उसके दोनों जो अरेस हैं एंड गेट अरे और, और गेट अरे दोनों प्रोग्राम कर सकते हैं उसमें हमने एक एग्जाम्पल देखी थी जिसके चार इनपुट थे थ्री आउटपुट थे और छः प्रोडक्ट टर्म्स हम हमें मिल रही थी सो so, इससे हम डिफरेंट फंक्शंस प्रोग्राम कर सकते हैं इनफैक्ट हमने एग्जांपल भी देखी थी कि जो थ्री आउटपुट्स हैं उन पे तीन डिफरेंट एसओपी फंक्शंस हमने प्रोग्राम करके देखे थे आज डिस्कशन उधर से ही कंटिन्यू करते हैं उसमें दो मजीद एप्लीकेशंस देखते हैं एक तो बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन है सर्टन uh, कंडीशंस में आपको सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपके पीएलए आउटपुट पे परमानेंट वन आ रहा हो या परमानेंट ज़ीरो आ रहा हो वो हमने स्टडी करना है कि कैसे किस तरह प्रोग्राम करेंगे ताकि आपके पास परमानेंट वन आए या परमानेंट ज़ीरो आए दूसरी हम रिक्वायरमेंट देखेंगे एक कोई भी सर्किट जो है हमने एक ऑड प्राइम नंबर चेकर सर्किट बनाया था वो हम प्रोग्राम करके देखेंगे पी एल ए डिवाइस से सो so, पहले हम देखते हैं कि वो जो कांस्टेंट वन या कांस्टेंट ज़ीरो आउटपुट में मिलना चाहिए वो कैसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं अगर आपको याद हो बुलियन एल्जा के रूल्स जो हैं, जट से आपके पास एक एंड गेट है उसके दो इनपुट हैं एक पे वेरिएबल ए कनेक्टेड है दूसरे पे ए बार कनेक्टेड है उसका आउटपुट क्या आएगा बेसिकली ज़ीरो होगा अगर बोलियन एक्सप्रेशन देखी जाए ए इनटू ए बार गिव्स यू ए ज़ीरो अगर आप पी एल ए के स्ट्रक्चर को देखें जो हमने छ एंड गेट्स देखे थे उनके छः इनपुट्स थे बेसिकली हमने बेसिकली आठ इनपुट्स थे इंस्टेड ऑफ़ सिक्स चार वेरिएबल्स थे आई वन आई टू आई थ्री आई फोर या आई जीरो से आई थ्री जो है चार वेरिएबल्स थे सो एट इनपुट्स आ रहे हैं एंड गेट के इनपुट पर अब एंड गेट का आउटपुट अगर ज़ीरो रखना है क्या कर सकते हैं हम सारे जो वेरिएबल्स हैं वो कनेक्ट कर लें एंड गेट के इनपुट पे, दैट मींस एक जो वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म एंड कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म दोनों अवेलेबल हैं तो इससे नतीजा क्या निकलेगा आउटपुट पे ज़ीरो आ जाएगा अब अगर पी एल ए के आउटपुट पे आपको ज़ीरो चाहिए अब क्या करेंगे ये जो प्रोडक्ट टर्म है ये आप कनेक्ट कर देंगे और गेट के इनपुट के साथ सो so, और गेट का आउटपुट क्या होगा ऑफकोर्स जीरो आ जाएगा दूसरा तरीका क्या है अगर आप और गेट का इनपुट जो है किसी के साथ ना कनेक्ट करें किसी प्रोडक्ट टर्म के साथ या किसी जो एंड गेट का आउटपुट है किसी के साथ ना करें तो आपके आउटपुट पे क्या आएगा अगेन जीरो आएगा सो so, दो तरीके हैं परमानेंट जीरो लाने के लिए एट दी आउटपुट ऑफ ए पी डिवाइस वन कैसे लाएंगे वन का भी बड़ा आसान तरीका है अगर आप एंड गेट का जो इनपुट है सारे फ्यूज ब्लो कर रहे हैं कोई भी आप कॉन्टैक्ट या कनेक्शन ना रखें सो दैट मीन्स आउटपुट जो है एंड गेट का वन हो जाएगा अब और गेट के आउटपुट पे वन कैसे लाना है बेसिकली वो जो एंड गेट का आउटपुट है वो आप कनेक्ट कर दें और गेट के इनपुट के साथ बाय बाय कीपिंग ए फ्यूज देयर सो आउटपुट वुड बी ए वन सो इसको सर्किट को ज़रा देख लेते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि जो ऑड प्राइम नंबर चेकर है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग द सेम फोर इंटू थ्री पी एल ए Let us have a look at a 4 into 3 PLA device which is programmed to give constant zeros and 1s. Let us look at the first AND gate which produces a product number P1. All the inputs to the first AND gate are connected. So the inputs to the first AND gate are I1, I1 bar, I2, I2 bar, I3, I3 bar, I4, and I4 bar as shown by the fuses. So, the output of the first AND gate P1 would be 0. Now, to obtain a 0 at the output of the PLA device, the first OR gate having the output O1 is connected to the product term P1. Therefore, the output of the OR gate is going to be a 0. Another way to obtain uh, a 0 output would be through OR gate 3, the third OR gate which has an output of O3. Now, as can be seen in the diagram, the third OR gate is not connected to any of the 6 product terms. What is the output of the third OR gate? Basically, it is a S0. Now, how do we obtain a logic 1 at the output of the PLA device? Looking at the second OR gate, it is connected to the product term P2. Now, looking at the inputs of the second AND gate, the inputs are disconnected so none of the fuses are intact therefore uh, p2 the output of the and gate p2 would be a 1 the second or gate is connected to of course the output of the second and gate therefore the output of the or gate would be 1 we have just looked at the programming of a pla device to give us constant zeros and one output now let us look at a more practical application हमने आ, लास्ट टाइम काफ़ी लेक्चर्स पहले एक पढ़ा था ऑड प्राइम नंबर चेकर सर्किट ऑड प्राइम नंबर चेकर सर्किट में बेसिकली हमने क्या किया था वी अप्लाइड ए फोर बेट इनपुट सो फोर बेट इनपुट से नंबर जो हैं आपके पास ज़ीरो से लेके फिफ्टीन तक आ रहे हैं बेसिकली आपने एक सर्किट uh, डिज़ाइन किया था जो कि वो फोर बेट इनपुट नंबर को चेक करता है अगर वो फोर बिट इनपुट नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक ऑड प्राइम नंबर को सर्किट का आउटपुट क्या था वन हो जाता है उसमें अब बेसिकली वही सर्किट आपने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग दी फोर इंटू थ्री पी एल ए फोर इनपुट थ्री आउटपुट पी एल ए ना अगर पी एल ए को आप देखें uh, उसमें आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स कितनी हैं बेसिकली छः प्रोडक्ट टर्म्स हैं क्योंकि आपके पास छः एंड गेट्स हैं अब वापस अगर वो ज़रा रिकॉल करें जो बुलियन एक्सप्रेशन आपने लिखी थी और जो है प्राइम नंबर चेकर सर्किट के लिए उसमें जो आड नंबर्स थे वो बेसिकली रिप्रेजेंट हो रहे थे मिन टर्म से वन थ्री फाइव सेवन एलेवन थर्टीन एंड सो ऑन ठीक है ना तो ये प्राइम मिन टर्म्स हैं अगर इनमें से कोई भी टर्म होगी द फंक्शन आउटपुट वुड बी ए वन अब हम कितने प्राइम नंबर्स चेक कर सकते हैं इस जो फोर इंटू थ्री जो पी एल ए हमारे पास डिवाइस है बेसिकली हम छः प्राइम नंबर्स डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास छः प्रोडक्ट टर्म्स इम्प्लीमेंट करने की गुंजाइश है अगर हमारे पास एंड गेट ज़्यादा होते हैं तो ऑफ़कोर्स हम ज़्यादा प्राइम नंबर्स चेक कर सकते थे अब आइए ज़रा बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होगी कैसे बेसिकली जो पहला एंड गेट है जिसके प्रोडक्ट आउटपुट आ रही है पी वन वो क्या डिटेक्ट करेगा वो बेसिकली प्रोडक्ट टर्म या मिनट टर्म वन डिटेक्ट करेगा इसी तरह जो सेकेंड वाला है वो क्या डिटेक्ट करेगा वो बेसिकली सेकेंड जो मिनट टर्म आ रही है विच इज़ थ्री राइट जो सेकंड प्राइम नंबर है उसको डिटेक्ट करेगा इसी तरह जो बाकी जो चार एंड गेट्स हैं वो हमने प्रोग्राम करने कन्फिगर करने जो एंड गेट अरे है ताकि वो मिनट टर्म डिटेक्ट करें फाइव सेवन एलेवन एंड थर्टीन अब जो है आउटपुट जो है इस पी की वो क्या होनी चाहिए अगर आप पहले और गेट को देखें वो उसका आउटपुट वन होना चाहिए जब भी हमारे पास एक प्राइम नंबर बेसिकली और प्राइम नंबर आ जाए तो पहला जो और गेट है उसके इनपुट्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे छः की छः जो आपके पास प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं ठीक है थेके? बाकी दो जो हमारे पास और गेट आउटपुट्स हैं उनका क्या किया जाए बेसिकली उनको आप अनकोनेक्टेड छोड़ दें उनका एस सच यूज़ नहीं है पर हमारे पास क्योंकि तीन आउटपुट्स हैं तो लेट्स जस्ट मेक ए यूज़ ऑफ़ द रिमेनिंग टू आउटपुट्स हम ये करते हैं कि जो सेकेंड और गेट है उसके आउटपुट पे हम कहते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ नाइन हमारे पास आ जाएँ मल्टीपल्स ऑफ नाइन क्या आएंगे वन एंड थ्री आ जाएगा और जो तीसरा आउटपुट है उस पर हम कहते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ थर्टी नाइन आ जाएँ तो मल्टीपल्स ऑफ थर्टी नाइन जो हैं उसमें से एक थर्टीन टर्म आ जाएगी और कुछ और टर्म्स आएंगी So let us have a look at the uh, implementation of a odd uh, prime number checker circuit using the PLA. Let us have a look at the implementation of a odd prime number uh, checker circuit using the 4 into 3 PLA device. Now looking at the first uh, AND gate which gives an output P1. The inputs are I1, I2 bar, I3 bar, I4 bar. This represents the minterm 1. Looking at the second AND gate, which gives a product output P2, it is connected to the inputs I1, I2, I3 bar, I4 bar. Basically, this represents the momentum 3. Now, looking at the third AND gate, uh, which gives a product output of P3, it is connected to the inputs I1, I2 bar, I3, and I4 bar. This represents the momentum 5, which is again another odd prime number. Looking at the fourth AND gate which gives a product term P4 the inputs are I1, I2, I3 and I4 bar this represents the momentum 7. Looking at AND gate 5 which gives an output P5 the inputs are I1, I2, I3 bar, I4 basically this represents the number 11 or the momentum 11. Now, looking at the last AND gate, which gives an output P6, the inputs are I1, I2 bar, I3, and I4. This represents the minimum 13. Now, the first OR gate, which has an output of O1, this gives the uh, output of the odd uh, prime number detector circuit. So, if it detects any of these six prime numbers, the output should be one so as can uh, be seen in the diagram the 6 inputs of the first or gate are connected to the 6 product terms p1 p2 p3 p4 p5 and p6 now considering the second or gate second or gate is connected to product terms p1 p2 and p3 what are the 3 terms basically p1 represents mentum 1 p2 represents mentum uh, 3 and p3 uh, output represents mentum 5 so, basically, the output, uh, the second uh, OR gate output represents multiples of the number 15. So, multiples of number 15 are 1, 3, and 5. Similarly, looking at the third OR gate, the uh, third OR gate is connected to product terms P1, P2, and P6. So, what do uh, product terms P1, P2, and P6 represent? P1 represents the momentum 1. P2 represents the momentum 3, and P6 represents the momentum 13. Now, all these 3 terms are multiples of the number 39. So, basically, this 4 into 3 PLA device has been configured to output 3 different functions. The first OR gate detects an odd prime number, the second OR gate or the second output uh, detects multiples of the number 15, and the third output detects the multiples of 39. We have looked at a very simple example of the implementation of a odd prime number checker circuit using a four into three PLA. If you have a big PLA, which means other product terms, other inputs, more outputs, you can implement more functions. Now, let us have a look at the uh, generic array logic (GAL) device. जी डिवाइस हमने अगर आपको याद हो में बात की थी कि उसका अगेन एंड गेट अरे जो है वो प्रोग्राम कर सकते हैं और जो और गेट अरे है उसको प्रोग्राम नहीं कर सकते ये जो गैल डिवाइस है ये डिफरेंट है फ्रॉम अ पैल डिवाइस इन टू रिस्पेक्ट्स एक जो है कि आप इसको बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं पैल जो है आपने एक ही दफ़ा प्रोग्राम किया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते गैल डिवाइस में आप जो एंड गेट अरे है उसको बार बार मल्टीपल uh, टाइम्स आप प्रोग्राम कर सकते हैं अगर लत से आपका फंक्शन प्रॉपर uh, नहीं बना दोबारा से आप प्रोग्राम कर सकते हैं या कोई फंक्शन आपने इम्प्लीमेंट किया है उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो वो आपके पास ऑप्शन है दूसरे इसमें जो खासियत है वो ये है कि जिसके जो आउटपुट्स हैं उनको आप अगेन कन्फिगर कर सकते हैं जो कि बाकी डिवाइसिस uh, में नहीं है जो इसमें कैपेबिलिटी है कि आप जो एंड गेट अरे बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं वो कैसे इसमें है बेसिकली इसमें फ्यूज़ेस नहीं यूज़ कर रहे इसमें ई स्क्वे सीमॉस लॉजिक यूज़ किया जा रहा है एक सर्किट है जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकली रेजेबल सीमॉस सो एट ईच जंक्शन बेसिकली हमने शुरू में जैसे बात की थी आपके पास एक वर्टिकल सेट ऑफ लाइन्स हैं हॉर्जेंटल सेट ऑफ लाइन्स हैं और हमने ये भी बात की थी कि हर हॉजेंटल जो लाइन है वो हर वर्टिकल लाइन के साथ कनेक्ट हुई हुई है थ्रू ए फ्यूज़ तो जो भी आपने प्रोग्राम करना है वो फ्यूज़ इधर आप रहने दें या आप उसको ब्लो आउट कर दें इसमें क्या होगा बेसिकली हर जंक्शन पे जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन का जंक्शन है उसमें एक ए स्क्वेयर सीमा सेल लगा हुआ है जिसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं तो अगर आपने कनेक्ट करना है उस सेल को ऑन कर दें तो आपके एक वर्टिकल लाइन जो है हॉरिजेंटल लाइन से कनेक्ट हो जाएगी अगर आपने डिसकोनेक्ट करना है उस सेल को आप ऑफ करते हैं उसमें सो so, बेसिकली अगर आपने कोई एंड गेट में कोई लॉजिकल फंक्शन प्रोग्राम करना है तो वो आप करस्पॉन्डिंग सेल्स ऑन करेंगे बाकी जो सेल्स हैं ऑफ़ कर देंगे उसमें So let us have a look at the structure of a GAL, uh, generic array logic or Uska Duser example, Uska program So let us have a look. Let us have a look at a simplified uh, architecture of a GAL device, a generic array logic device. Uh, there are four inputs, basically A input, A bar input, B input, and B bar input shown by vertical connections or vertical lines there are 3 and gates of course uh, this constitutes the and array which can be programmed the outputs of the 3 and gates are connected to a single or gate basically this represents the or gate array which cannot be programmed so as can be seen in the diagram the outputs of the 3 and gates are permanently connected to the or gate the output of the gal device is the output of the or gate which is x now at each junction of the vertical line and the horizontal line, you see a cell with E square CMOS. So let's suppose the first AND gate is connected uh, to implement the function AB. So how do you do it? Basically, you would turn on the first E square CMOS cell, uh, the extreme top left corner, and B would be connected by uh, turning on the cell in the second row, third column. Let us actually program a GAL device. The first AND gate is programmed to give a product term AB bar. So, as can be seen in the figure, the first uh, cell and the last cell in the first two rows are turned on, the remaining cells are turned off. Similarly, the second AND gate gives out a product term A bar B. So, in the third row and the fourth row. The second cell and the third cell are respectively turned on, the remaining cells are turned off. So, the product, the output of the second AND gate is A bar B. The third AND gate gives an output A B. In order to implement this, the fifth and the sixth rows uh, have two cells which are turned on the first cell and the third cell which are turned on, the remaining cells are turned off. The output of this GAL device is, of course, AB bar plus A bar B plus AB. We have just looked at a simple implementation of a GAL device. We have bhi dekha a simple SOP function. Now, let us talk about the outputs of the GAL device. GAL device it is different from the PAL device because we can configure the outputs. सो so, इसका जो आउटपुट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पैल डिवाइस से बेसिकली जो आउटपुट सर्किट है वो सेपरेट है उसको हम कहते हैं आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल्स सो वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट दी सर्किट डायग्राम सो ईच आउटपुट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्लॉक व्हिच इज़ नोन एज एन आउटपुट लॉजिक मैक्रो सेल या ऑलमैक ओ एल एम सी कहते हैं इस ऑलमैक में ये ओ एल एम सी में एक और गेट होगा पार्ट ऑफ दी और गेट अरे एंड सम एक्स्ट्रा सर्किटरी उस एक्स्ट्रा सर्किटरी को हम कन्फिगर कर सकते हैं ताकि हमारे पास डिफरेंट आउटपुट टर्म्स आ सकें शुरू में अगर आपको याद हो हमने ये बात की थी कि जो गैल डिवाइस के आउटपुट्स हैं उनको कन्फिगर कर सकते हैं सो दे कैन एक्ट एज इनपुट्स वो कैसे होगा बाय प्रोग्रामिंग दी आउटपुट सर्किट दी ऑलमैक तो हम ज़रा देखते हैं जो ब्लॉक डायग्राम है इस गैल डिवाइस का जिसमें ये जो है ऑल मैक्स आहदा से शो किया हुआ है बिफोर वी हैव हैवे लुक एट दी सर्किट डायग्राम एक छोटी सी चीज़ है कि ये जो गैल डिवाइसेज़ हैं डिफरेंट कॉन्फिगेशन में अवेलेबल हैं तो इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बेसिकली आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसान है अगेन इसका जो प्रीफेक्स है वो जी एल होगा so, कि भाई ये गैल डिवाइस है उसके बाद एक नंबर होगा टू डिजिट नंबर होगा लेट्स से 22 अब ये 22 जो है ये बता रहा है कि अभी कितने टोटल इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं हमने बात की थी कि जो गैल डिवाइस के आउटपुट्स हैं उनको आप कन्फिगर कर सकते हैं एज इनपुट सो 22 टू मीन्स हैव इनपुट्स एंड सम आउटपुट्स विच कैन बी कन्फिगर्ड एज़ इनपुट्स उसके बाद एक आपके पास एक लेटर आएगा वी विच मीन्स वेरिएबल आउटपुट जो है वेरिएबल हो सकता है उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं उसके बाद एक और नंबर आएगा लेट्स से टेन दिस इंडिकेट्स दी नंबर ऑफ आउटपुट्स सो पूरा जो इसका आई डी बन जाएगा जी एल ट्वेंटी टू वी टेन इसी तरह कोई और गैल uh, डिवाइस है जिसके इनपुट्स डिफरेंट हैं आउटपुट्स डिफरेंट हैं वो जो ट्वेंटी टू है और जो टेन है वो डिफरेंट होंगे उसमें सो लेटस हैव वे लुक एट दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए गैल डिवाइस विच शोज दी एंडगेट अरे एंड दी आउटपुट लॉजिक सर्कट्स मैक्रोसेल ऑल मैक्स दी ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए गैल डिवाइस शो अगर आपको याद हो इसको अगर आप कंपेयर करें पहले जो हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था गैल डिवाइस से उससे स्लाइटली डिफरेंट है इसमें हम एक ई स्क्र सीमॉस प्रोग्रामल एंड अरे शो कर रहे हैं बेसिकली ये जो अरे है इधर वो सारे ई स्क्र सीमॉस सेल्स लगे हुए हैं जो हम प्रोग्राम कर सकते हैं कन्फिगर कर सकते हैं और बार बार कन्फिगर कर सकते हैं आउटपुट uh, जो है एंड अरे का वो कनेक्ट हो रहा है ओ एल एम सीज के साथ विच इज़ आउटपुट लॉजिक माइक्रो सेल्स सो हर गेट uh, जो ऑर्गेट अरे है उसमें से जो भी ऑर्गेट्स हैं एक एक गेट हर मैक में होगा सो लेट्स से दस आउटपुट्स हैं गैल डिवाइस के दस मैक सर्किट्स होंगे और दस सर्किट्स में एक गेट होगा ऑफ मल्टीपल इनपुट्स जैसे कि हमने अभी बताया मैक को आप कन्फिगर कर सकते हैं सो so, आउटपुट जो है इनपुट में भी चेंज हो सकता है और जो इनपुट है वो वापस एंड गेट अरे में फीड हो सकता है जो इनपुट हैं गैल डिवाइस के वो कनेक्ट होंगे एंड गेट अरे पे इन दी डायग्राम इनपुट वन इनपुट टू इनपुट एन तक जो आउटपुट्स हैं वो ऑफ कोर्स ऑल मैक के आउटपुट्स हैं आउटपुट वन से लेके आउटपुट एन तक अभी तक हमने डिफरेंट डिवाइसिस uh, का आर्किटेक्चर पे ज़्यादा कॉन्सनट्रेट किया है कि उनकी एंड गेट्स और गेट के साथ कैसे जुड़ी हुई हैं कैसे उसको प्रोग्राम करते हैं उसमें अभी तक एक्चुअल जो प्रोग्रामिंग है उस पर बात नहीं हुई कि प्रोग्राम कैसे करेंगे कैसे बेसिकली प्रोग्रामिंग uh, बड़ी सिंपल है प्रोग्रामिंग उसी तरह करते हैं जिस तरह आप uh, आम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एक कंपाइलर चाहिए किसी लैंग्वेज का जैसे सी का कंपाइलर है या बेसिक का है या पैस्कल का है फोट्रान का है इसी तरह इन डिवाइस को प्रोग्राम करने के लिए एक कंपाइलर चाहिए एक लैंग्वेज चाहिए जिसमें आप जो फंक्शन है किसी डिवाइस का वो लिखेंगे इसमें। डिफरेंट लैंग्वेज हैं जो डिवाइस को प्रोग्राम करती हैं जो लैंग्वेज यूज़ होती हैं उनको हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज कहते हैं एच डी एल कहते हैं अब डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज़ अवेलेबल हैं हम जिस पर कॉन्सनट्रेट करेंगे वो है एबल एबल बेसिकली जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें एबल को ही रेफरेंस किया गया हुआ है तो उसी को हम स्टडी करेंगे एबल जो है एक्रोनिम है बेसिकली एडवांस बुलियन एक्सप्रेशन लैंग्वेज ओके अब बात यह है कि इस लैंग्वेज को यूज़ कैसे करना है आपने देखें आपने अगर किसी पी एल डी डिवाइस को प्रोग्राम करना है कोई भी फंक्शन प्रोग्राम करना है लेट्स से वो जो ऑड प्राइम नंबर है वो फंक्शन प्रोग्राम करना है तो क्या करना होगा पहले तो आपने वो फंक्शन बताना है किसी तरीके से सो so, कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेसिकली दो ही तरीक़े हैं या तो एक उसकी पूरी बुलियन एक्सप्रेशन लिख देंगे बुलियन इक्वेशन जो है वो लिखेंगे दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेसिकली ट्रुथ टेबल हो सकता है कोई भी फंक्शन है उसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं उसके इनपुट्स आप स्पेसिफाई करते हैं आउटपुट्स स्पेसिफाई करते हैं तो अगर आप वो ट्रोथ टेबल स्पेसिफाई कर दें तो दैट मीन्स उस फंक्शन के बारे में कम्प्लीट इंफॉर्मेशन है एक तीसरा तरीका है टू रिप्रजेंटि फंक्शन वो बेसिकली है स्टेट डायग्राम स्टेट डायग्राम आगे जाके पढ़ेंगे बेसिकली दो टाइप के सर्किट्स होते हैं कॉम्बिनेशनल जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं और एक सीक्वेंशियल सर्किट जिसमें एक मेमोरी एलिमेंट होता है सिकवेंशल सर्किट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम स्टेट डायग्राम्स यूज़ करते हैं तो वो हम जब बाद में पढ़ेंगे तो दोबारा हम इसको देखेंगे सो so बेसिकली तीन तरीके हैं किसी सर्किट को रिप्रजेंट करने के एक वही बोलियन एक्सप्रेशन दूसरा टुथ टेबल और तीसरा जो है स्टेट डाइग्राम अगर आपने एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया उसके बाद बेसिकली क्या करना पड़ता है आप लत से सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके बाद लिखने के बाद क्या करते हैं बेसिकली आप उसको कंपाइल करते हैं उससे पहले कंपाइल करने से पहले आप देखते हैं सिंटैक्स एरर या कोई एरर्स हैं कि नहीं बेसिकली जो कंपाइलेशन प्रोसेस है उसमें एरर्स जो आते हैं वो आपको दिखा देता है इधर भी तकरीबन वही चीज़ करनी है आपने जब एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया उसके आपने एरर्स देखने कोई सिंथेक्स एरर तो नहीं है कोई और बीच में बग्स तो नहीं है वो आपने डी बग करने हैं वो जो आपने कर लिया उसके बाद आपने उसको टेस्ट करना है जो आपने फंक्शन बताया है थ्रू ए टूथ टेबल या बोलियन फंक्शन जो हैं उनको उस फंक्शन को आपने टेस्ट करना है क्योंकि टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लेट्स से आपके पास अगर पी रोम है या पैल है या पी एल ए है उसमें हमने बात की थी जब आप एक दफ़ा प्रोग्राम कर देंगे उसके बाद अगर उसमें कोई गलती होगी तो फिर आपका वो डिवाइस बिल्कुल यूजलेस होगी दोबारा से एक नई डिवाइस लेकर प्रोग्राम करना पड़ा पड़ेगा सो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी फंक्शन उसमें प्रोग्राम करते हैं उसको पहले अच्छी तरह टेस्ट करना है टेस्ट बेसिकली कैसे करेंगे बेसिकली ये जो प्रोग्रामिंग का जो सेकेंड स्टेप है वो टेस्ट स्टेप कहलाता है उसमें आप एक टेस्ट वैक्टर बनाएंगे टेस्ट वैक्टर क्या है बेसिकली लेट सपोज कि आपने एक एक्सक्लूसिव और गेट इंप्लीमेंट किया यूजिंग पैल डिवाइस या पी एल ए डिवाइस अब टू इनपुट एक्सक्लूसिव और गेट के क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती हैं चार पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती हैं तो अगर आपको कहा जाए कि भाई आप एक एक्सक्लूसिव और को टेस्ट करें तो क्या करेंगे आप जो चार पॉसिबल कॉम्बीशन हैं वो अप्लाई करेंगे उसकी आउटपुट पे देख लेंगे अगर आउटपुट प्रॉपर आ रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी इनपुट दैट मीन्स योर डिवाइस वर्किंग फाइन आपने जो उसकी बोलियन एक्सप्रेशन डिफ़ाइन किया है या ट्रुथ टेबल डिफाइन किया है वो सही है सो so, इसी तरह आप ने एक टेस्ट वेक्टर बनाना है वो आपने अप्लाई करना है आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंपाइलर आप यूज़ कर रहे हैं वो उस फंक्शन को टेस्ट करेगा अगर उसके रिजल्ट्स वेरीफाई हो रहे हैं दैट मींस आपका जो फंक्शन आपने डिफ़ाइन किया जो सर्किट आप बनाना चाह रहे हैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो ठीक है यू कैन गो टू दी नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंपाइल होती है और उसको एक दूसरी फॉर्म में रिप्रजेंट किया जाता है सो so, अल्टीमेट जो आउटपुट है कंपाइलेशन का वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट फ़ाइल आ जाएगी जिसमें ये सारा जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है या ट्रूथ टेबल डिफाइन किया है वो सारी इंफॉर्मेशन होगी और एक फ्यूज़ फाइल के नाम से एक आउटपुट जनरेट होगी बेसिकली ये वो फाइल है जो आप डायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हैं किसी भी पीएलडी डिवाइस को अब ये जो एबल हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की थी ये बेसिकली डिवाइस इंडिपेंडेंट है अब इसमें ये नहीं होगा कि किल से आपने प्रो प्रॉम प्रोग्राम करना है या पैल प्रोग्राम करना है या पी एल ए या गैल करना है तो उसके लिए अलग-अलग लैंग्वेज होंगी एक ही लैंग्वेज होगी बेसिकली वो सारों को सपोर्ट कर है बेसिकली ये जो लैंग्वेज है ये डिवाइस इंडिपेंडेंट है आपने इंफॉर्मेशन दे दी कंपाइल होगी आपके पास डॉक्यूमेंट फाइल बन गई फ्यूज़ फाइल बन गई अब प्रोग्राम बेसिकली कैसे करना है आपके पास एक PLD डिवाइस प्रोग्रामर भी होना चाहिए एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें जो भी डिवाइस प्रोग्राम करनी है वो प्लग इन हो जाएगी और आप कंप्यूटर के थ्रू वो जो इंफॉर्मेशन है वो आप डाउनलोड कर देंगे डिवाइस प्रोग्रामर को सो डिवाइस प्रोग्रामर जो है जो भी डिवाइस उसमें लगी हुई है उसको प्रोग्राम कर देगा तो कंप्लीट सिस्टम जो आपको चाहिए किसी भी पी डिवाइस को प्रोग्राम करने के लिए एक कंप्यूटर चाहिए जिसमें वो प्रोग्राम रन हो रहा होगा एक आपको डिवाइस प्रोग्रामर चाहिए जो अटैच्ड होगा आपके कंप्यूटर के साथ इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है कंपाइल करनी है वो जो फ्यूज़ फ़ाइल है या फ्यूज़ मैप जो है वो डाउनलोड होगा डिवाइस प्रोग्रामर पे उसमें जो भी डिवाइस है वो इंसर्ट करनी है उसको प्रोग्राम कर देगा ये सारे जो स्टेप्स हैं हम बाद में डिटेल में देखेंगे एक्चुअली एक हम कोशिश करेंगे एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें और पूरे स्टेप्स के थ्रू हम जाएंगे इसमें वापस आते हैं ज़रा गैर डिवाइसेस पे Uh, एक तो बड़ी पॉपुलर किस्म की गैल डिवाइसेस हैं जो बड़ी कॉमनली यूज़ होती हैं उनको ज़रा स्टडी uh, करते हैं उनके स्ट्रक्चर को ज़रा डिटेल में देखते हैं उसमें बेसिकली जो पहली डिवाइस हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है गैल ट्वेंटी टू वी टेन बताती है ये कि उसके जो टोटल इनपुट्स एंड आउटपुट्स जो हैं वो बाईस हो सकते हैं बेसिकली इस डिवाइस के ट्वेल्व इनपुट्स होते हैं दस आउटपुट्स हैं जिनको आप कन्फिगर कर सकते हैं एज इनपुट्स तो देर जो है ट्वेंटी और जो आउटपुट हैं जो ऑल मैक्स हैं उनको आप कन्फिगर कर सकते हैं टू प्रोवाइड यू व डिफरेंट आउटपुट्स और इसलिए उसको वेरिएबल कहा गया है इसमें सो so, इस डिवाइस के जो है डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन में डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन से मुराद यह है कि डिफरेंट वोल्टेज़ में अवेलेबल है 3.3 पॉइंट वोल्ट में भी अवेलेबल है 5 वोल्ट में भी अवेलेबल है दूसरी इसकी जो खासियत है कि आप आप इस गैल डिवाइस को प्रोग्राम करके किसी सर्किट में लगा दें आपका कोई भी एप्लीकेशन है उसमें आप लगा दें उसके बाद आप अगर उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं उसको रीप्रोग्राम करना चाह रहे हैं अब गैल डिवाइस को निकालने की जरूरत नहीं है आपके पास अगेन एक प्रॉपर इंटरफेस है जो कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्टली उस सर्किट बोर्ड में गैल डिवाइस के साथ अटैच हो जाएगा और आप उसको सर्किट में रखते हुए दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं तो ये काफ़ी एक फ्लैक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही है इसमें अब इस गैल डिवाइस को गैल ट्वेंटी टू वी टेन जो है अब इसको ज़रा डिस्क्राइब करना बग़ैर फिगर के थोड़ा सा मुश्किल है तो लेट अस हैव हैवे लुक एट दिस स्लाइड और उधर से हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं बिफोर वी हैव हैवे लुक एट दिस स्लाइड एक उसमें ज़रूरी बात है जो ऑल मैक्स हैं इसमें दस होंगे क्योंकि दस आउटपुट्स हैं तो हर दस आउटपुट जो है वो एक ऑल मैक्स से आ रहा है हर ऑल मैक्स में हमने जैसे बताया कि एक और गेट लगा हुआ अब ये जो गैल ट्वेंटी टू वी टेन डिवाइस है इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट टर्म्स हैं जो कनेक्ट हो रही हैं डिफरेंट ऑल मैक्स के साथ सो so, इसमें दस हैं तो दो जो हैं टर्म्स उसमें एट इनपुट्स आ रहे हैं दो में दस आ रहे हैं फिर दो में चौदह आ रहे हैं और दो में सोलह आ रहे हैं तो इस किस्म का हम जरा देखते हैं कि ये एक्जेक्टली डिफरेंट प्रोडक्ट टर्म्स कैसे आ रही हैं कहाँ कनेक्ट हो रही हैं उसमें डाइग्राम ऑफ दैल ट्वेंटी टू वी टेन पी एल डी डिवाइस इसके बारह इनपुट्स हैं शोन बाई दी 12 इनपुट पेन्स उनमें से एक जो सबसे ऊपर वाली पेन है उसमें आई ऑब्लिक क्लॉक लिखा हुआ है सो ये एज इनपुट भी इस्तेमाल हो सकती है और इधर एक क्लॉक सिग्नल भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने सिक्वेंशल सर्किट्स की बात की थी ये उसमें यूज़ होता है उधर एक क्लॉक की ज़रूरत है जो हम बाद में देखेंगे जब सिक्वेंशल सर्किट स्टडी करेंगे आ, ई स्क्वेयर सी मॉस प्रोग्रामेबल एंड गेट अरे नज़र आ रही है जिसमें पूरी की पूरी एंड गेट अरे है जिसको हम प्रोग्राम कर रहे हैं और हर सेल जो है ई स्क्वेयर सी मॉस से इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है इस एंड गेट अरे के जो इनपुट हैं वो थ्रू इनपुट बफर्स हैं सो हर इनपुट के साथ एक इनपुट बफर लगा हुआ है तो जो इनपुट है उसकी कम्प्लीमेंटेड और नॉन कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म जो है वो कनेक्ट हो रही है एंड गेट अरे के साथ सो so, अगर इनपुट्स को देखा जाए 12 इनपुट्स हैं तो ये 24 फोर इनपुट्स जा रहे हैं एंड गेट अरे पे आउटपुट पे ज़रा देखें आ, आपके पास 10 आउटपुट नज़र आ रहे हैं 10 आउटपुट जो हैं वो कनेक्ट हुए हैं 10 ऑल ऑलमैक सर्किट्स को ऑल ऑलमैक सर्किट्स के डिफरेंट इनपुट्स एंड आउटपुट्स हैं पहले को अगर देखें एक इनपुट आ रहा है जिस पर स्लैश एट लिखा हुआ है बेसिकली ये जो इनपुट है ये आ रहा है एंड गेट अरे से आठ प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं जो कि एक एट इनपुट और गेट के साथ कनेक्ट हुई हैं वो और गेट जो है वो पहले ऑलमैक के अंदर है इसी तरह इस ऑलमैक से एक आउटपुट जा रहा है वापस एंड गेट अरे में ये बेसिकली uh, जो है uh, अगर आप आउटपुट पिन को कन्फिग कन्फिगर uh, कर लें एज इनपुट तो ये जो इनपुट है ये वापस जाके एंड गेट अरे पे कनेक्ट हो रहा है तो ये जो आउटपुट पे आपको एक बफर नज़र आ रहा है जो वापस एंड गेट अरे पे जा रहा है ये वही काम कर रहा है इसी तरह अगर आउटपुट जो है वो वापस इनपुट पे भेजी जा सकती है वो भी इसी के थ्रू भेजी जा रही है ऑलमैक के आउटपुट पर आपको एक ट्राई स्टेट बफर नज़र आ रहा है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं इनेबल कर सकते हैं डिसेबल कर सकते हैं इस तरह अगर दूसरे ऑलमैक को देखें उसके 10 इनपुट नज़र आ रहे हैं दैट मीन्स टेन प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं सो so, इस ऑलमैक में जो और गेट लगा हुआ है उसके दस इनपुट्स होंगे सिमिलरली तीसरा जो ऑलमैक है उसमें ट्वेल्व प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं चौथे में चौदह आ रही हैं पाँचवें में सोलह आ रही हैं फिर छठे में सोलह आ रही हैं फिर लगे हैं चौदह बारह दस और आठ सो दस ऑलमैक्स हैं दो की आठ प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं दो की दस दो की बारह दो की चौदह और दो की सोलह टर्म्स आ रही हैं इस ऑलमैक uh, के इनपुट पे दो मजीद सिग्नल्स आ रहे हैं एक तो ऊपर से क्लॉक का सिग्नल आ रहा है ये क्लॉक का सिग्नल सारे ऑलमैक्स से कॉमन है सो so, एक क्लॉक जो है सारे ऑलमैक्स के इंटरनल uh, सर्किट को कंट्रोल कर रहा है ये अगेन जब सिक्वेंशल सर्किट पढ़ेंगे उसमें दोबारा देखेंगे एक और जो सिग्नल है जो कॉमन है सारे ऑलमैक्स का वो है रीसेट सिग्नल जो टॉप राइट हैंड पे जो आउटपुट सिग्नल निकल रहा है प्रोग्रामेबल एंड एरे से वो बेसिकली रीसेट सिग्नल है जो सारों को कंट्रोल कर रहा है हमने अभी सर्किट डायग्राम देखा है जो जी एल ट्वेंटी डिवाइस है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की नज़र आ रही है उसमें इसको घबराने की ज़रूरत नहीं हम इसको आता आस्ता सिंप्लीफाई करके देखते जाएंगे और तो फिर आपको अंदाज़ा होगा काफ़ी सिंपल है इसकी प्रोग्रामिंग और इसको समझना काफ़ी आसान है एक जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है किसी भी गैल डिवाइस का वो हमने बताया था आउटपुट सर्किट है ऑल मैक जो है हमने जैसे पहले ज़िक्र किया था इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं टू प्रोवाइड अस विद डिफरेंट ऑप्शंस हम आउटपुट पे कुछ आपका फंक्शन आउटपुट मिल सकता है या जो आउटपुट पिन है उसको एज इनपुट हम कन्फिगर कर सकते हैं या जो आउटपुट आ रहा है वो वापस एंड गेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जब हम सिक्वेंशल सर्किट्स की बात करेंगे उसमें भी हम एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं वो फैसिलिटी भी है सो लेट अस हैव ए लुक एट दी ऑल मैक सर्किट एक्चुअली कर क्या रहा है और कैसे इसको हम कन्फिगर uh, कर सकते हैं या प्रोग्राम कर सकते हैं बेसिकली चार हमारे पास ऑप्शन हैं एक कॉम्बिनेशनल मोड है जो हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें यूज़ होगा और एक रजिस्टर्ड मोड है जो यूज़ होगा सिक्वेंशल सर्किट्स के लिए तो अभी क्योंकि हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़े हैं तो ये कॉम्बिनेशनल जो मोड हैं दो उन पर हम कॉन्सनट्रेट करते हैं जो रजिस्टर्ड मोड है वो बाद में हम देखेंगे इसमें सो लेट लेटस हैव ए लुक एट दी डिटेल्ड सर्किट ऑफ एन ऑल मैक एंड लेटस स्टडी हाउ वी कैन कन्फिगर दि सर्किट टू गिव अस डिफरेंट ऑप्शन Let us have a look at the circuit diagram of the output logic macro cell or all circuit. You see different components. Uh, the input is through the OR gate, the input to the OR gate is from the programmable AND array. The output of the OR gate is connected to a flip flop. Flip flop is a sequential device. Uh, जो हमने बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बाद में हम करेंगे जब सिक्वेंशल सर्किट्स पढ़ेंगे बेसिकली दी फ्लिप फ्लॉप एज ए मेमरी एलिमेंट ये कोई इन्फॉर्मेशन जो है वन बेट इन्फॉर्मेशन जो है ये स्टोर कर सकता है उसमें uh, जो और गेट का जो आउटपुट है वो कनेक्ट हुआ है एक मल्टीप्लेक्सर के साथ भी वी हैव ए वन टू फोर मल्टीप्लेक्सर जिसके चार इनपुट्स हैं एक आउटपुट है दो सेलेक्ट इनपुट पिन हैं एस एंड एस सो so, जो और गेट का आउटपुट है वो नॉन इनवर्टेड फॉर्म में इनपुट थ्री के साथ कनेक्टेड है और इन्वर्टेड फॉर्म में इनपुट टू के साथ कनेक्टेड है इसी तरह जो फ्लिप फ्लॉप का जो नॉन इन्वर्टेड आउटपुट है वो मल्टीप्लेक्सर uh, के इनपुट वन के साथ कनेक्टेड है और जो इन्वर्टेड आउटपुट है वो मल्टीप्लेक्सर के ज़ीरो इनपुट के साथ कनेक्टेड है एक नीचे दूसरा आपको मल्टीप्लेक्सर वन टू टू मल्टीप्लेक्सर नज़र आ रहा है जिसके दो इनपुट्स हैं एक चिप एक सेलेक्ट इनपुट है एस वन जो इनपुट ज़ीरो है वो कहाँ से आ रहा है वो बेसिकली फ्लिप फ्लॉप का जो कॉम्प्लीमेंटेड uh, आउटपुट है क्यू बार उससे कनेक्टेड है और जो दूसरा इनपुट है इनपुट वन वो कनेक्ट हो रहा है स्टेट बफर के आउटपुट के साथ इस मल्टीप्लेक्सर का जो आउटपुट है वो कनेक्ट हुआ हुआ है एक इनपुट uh, बफर के साथ जो आउटपुट को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म और अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म uh, के साथ आगे भेज रहे हैं कहाँ भेज रहे हैं एंड गेट अरे uh, के इनपुट पर ट्राई स्टेड बफर को जरा देखते हैं ट्राई स्टेड बफर जैसे हमने बताया था कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको एक्टिवेट uh, कर सकते हैं डीएक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू ए कंट्रोल लाइन कंट्रोल लाइन ऊपर से आ रही है इनेबल जहाँ लिखा हुआ सो so, अगर लेट्स सपोज इनेबल लाइन को ये जो कंट्रोल लाइन है ट्राई स्ट्रेट बफर की इसको एक्टिवेट कर दें हाई कर दें तो ये ट्राई स्टेट बफर एज़ ए नॉट गेट काम करना शुरू हो जाएगा जो भी इनपुट होगी उसको इन्वर्ट करके आउटपुट पर दे देगा और अगर इसको इनएक्टिवेट कर दें इनेबल लाइन को लॉजिक uh, ज़ीरो कर दें तो ट्राई स्टेट बफर जो है ये काम नहीं करेगा बेसिकली ये आउटपुट को डिसकोनेक्ट कर देगा uh, बाकी सर्किट से एक्सट्रीम राइट साइड पे आपको एक पेन नज़र आ रही है जिसमें आई एंड ओ लिखा हुआ है अब वैसे तो ये आउटपुट पेन है पर इसको हम कन्फिगर कर सकते हैं एज एन इनपुट पेन नो लेटस ट टू कन्फिग्रेशन मोड्स ऑफ दाइक सर्किट जैसे हमने शुरू में बात की थी चार डिफरेंट ऑप्शन हैं इसको प्रोग्राम करने के लिए दो कॉम्बिनेशनल मोड्स हैं और दो रजिस्टर्ड मोड हैं हम देख रहे हैं दो कॉम्बिनेशनल मोड्स को इसमें जो पहला मोड है कॉम्बिनेशनल आउटपुट विद एक्टिव लो दूसरा जो मोड है कॉम्बिनेशनल आउटपुट विद एक्टिव हाई कॉम्बिनेशनल आउटपुट विथ एक्टिव लो को देखते हैं अगर आपका एस वन एस जीरो पे आप सिलेक्ट इनपुट कोई कोड सेलेक्ट करते हैं जिससे थर्ड इनपुट सेलेक्ट हो जाता है मल्टीप्लेक्सर का तो आपको रिजल्ट क्या आएगा बेसिकली और गेट का जो भी आउटपुट है वो आपके मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट पे आ जाएगा अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में प्राइस ट्रेट बफर क्योंकि उसको इन्वर्ट कर रहा है सो आउटपुट पेन पे और गेट का जो भी आउटपुट है उसको इन्वर्टेड फॉर्म में देगा सो बेसिकली ये हो गया कॉम्बिनेशन आउटपुट विद एक्टिव लो आउटपुट दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है कॉम्बिनेशन आउटपुट विद एक्टिव हाई आउटपुट वो कैसे होगा अगर आप सिलेक्ट पिन एस जीरो एस वन को आप इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि सेकेंड इनपुट ऑफ़ द मल्टीप्लेक्स वो सिलेक्ट हो जाए तो आउटपुट पे क्या आएगा बेसिकली और गेट का जो आउटपुट है वो इन्वर्ट हो जाएगा इन्वर्ट होकर मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट पे आएगा जो ट्राई स्टेट बफर है वो दोबारा इसको इन्वर्ट करेगा और आउटपुट पिन पे आपको इन्फॉमेसन आएगी अब ये इन्फॉमेसन जो होगी वो एग्जैक्टली exactly वही होगी जो और गेट के आउटपुट पे है सो नॉन इन्वर्टेड फॉर्म में आ रही है इसको हम कहेंगे कॉम्बिनेशनल आउटपुट विद एक्टिव हाई आउटपुट दूसरे जो हमने दो मोड्स की बात की थी रजिस्टर्ड मोड वो उसमें ये फ्लिप फ्लॉप जो नज़र आ रहा है ये बेसिकली यूज़ होगा इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे हैव अ लुक एट दी ट्राई स्टेट बफर सर्किट ये जो सर्किट है हम पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं उसमें बेसिकली इट्स ए नॉट गेट जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू ए ट्राई स्टेट कंट्रोल पेन सो so, अगर ये हाई है सो so इनपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इन्वर्ट होके आउटपुट पे आ जाएगी जिस तरह की आपको नीचे डायग्राम्स में नजर आ रहा है द कंट्रोल पिन इज़ सेट टू हाई इफ यू अप्लाई हाई इनपुट एट द इनपुट ऑफ ट्राई स्टेट बफर इट इज़ कन्वर्टेड इन टू लॉजिक लो सिमिलरली अगर आप लॉजिक लो अप्लाई कर रहे हैं इनपुट पर ट्राई स्टेट बफर के वो लॉजिक हाई में कन्वर्ट हो जाएगा अगर आपके कंट्रोल पेन जो है वो लो कर दिए है दैन दी आउटपुट ऑफ द ट्राईस्ट्रेट बफर बिकम्स हाई एम्पिडेंस हाई एम्पिडेंस का मतलब ये है कि बहुत हाई रेजिस्टेंस मिल रहा है हाई रेजिस्टेंस तब मिलता है जब कोई ओपन सर्किट हो सो बेसिकली कंट्रोल पेन अगर ट्राईस्टेट बफर की लो कर दी जाए तो इसका आउटपुट जो है ओपन सर्किट हो जाएगा बेसिकली ये ट्राईस्टेट बफर्स कहाँ यूज़ करते हैं ये उधर यूज़ होता है जहाँ बहुत सारे सर्किट्स के आउटपुट्स आपस में एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्टेड हैं लेट्स सपोज़ आपके चार एंड गेट्स हैं एक जो एंड गेट है वो वन दे रहा है दूसरा जीरो दे रहा है बाकी दो वन वन दे रहे हैं अगर इन चारों के आउटपुट्स इकट्ठा कनेक्ट कर दें तो आपको ये नहीं अंदाजा होगा कि क्या वैल्यू आएगी एक गेट क्योंकि वन दे रहा है दूसरा जीरो दे रहा है बाकी दो वन दे रहे हैं तो यू नेवर नो कि वो आउटपुट वैल्यू ज़ीरो आएगी या वन आएगी तो इस जगह पे आपको चार ट्राई स्टेट बफर्स लगाने पड़ेंगे सो so, हर एंड गेट के आउटपुट पे एक ट्राई स्टेट बफर लगाएंगे उसमें सो so, जिस एंड गेट की आउटपुट में आप इंटरेस्टेड हैं वो वाला ट्राई स्टेट बफर एक्टिवेट हो जाएगा उसकी आउटपुट आपको कॉमन पॉइंट पे मिल जाएगी बाकी तीन जो एंड गेट्स के आउटपुट हैं वो आप डीएक्टिवेट कर देंगे विद दी हेल्प ऑफ दी आउटपुट बफर ऑफ द ट्राई स्टेट बफर अब अगर आप वापस ऑल मैक्स सर्किट को देखें अगर ट्राई स्टेट बफर का आउटपुट आप डीएक्टिवेट कर दें दैट इज़ उसका जो कंट्रोल पिन है उसको लॉजिक लो पे कनेक्ट कर दें तो दैट मींस आउटपुट जो है डिसकोनेक्ट हो गया अब आप क्या कर सकते हैं बेसिकली जो आउटपुट पिन है उसको एज ए इनपुट यूज़ कर सकते हैं सो so, उधर कोई भी आप वेरिएबल अप्लाई करें वो अवेलेबल होगा जो वन टू टू मल्टीप्लेक्सर है नीचे उसके वन इनपुट पर बाई सेटिंग दिस सेलेक्ट इनपुट एस वन टू वन जो इनपुट वन है वो सिलेक्ट हो जाएगा वो आउटपुट पे अवेलेबल हो जाएगा और वही जो आउटपुट है आगे आप एंड जो अरे है उसके इनपुट पे आप अप्लाई कर सकते हैं हमने पहले सर्किट डायग्राम देखा है जो जी एल ट्वेंटी टू डिवाइस है उसका सर्किट को देखा है उसके इनपुट्स देखें आउटपुट्स देखें उसके जो ऑल मैक्स हैं वो देखें उसके बाद हमने दूसरा एक सर्किट देखा जो डिटेल सर्किट डायग्राम है ऑलमैक का शुरू में अगर आपको याद हो जो गैल 22 V10 डिवाइस है उसके 10 ऑलमैक्स हैं और हर ऑलमैक्स पे डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं बेसिकली 10, 12, 14, 16 और 8 जो हैं ये प्रोडक्ट टर्म्स आ रही हैं आइए जरा देखते हैं ये डिटेल इसका जो कनेक्शन है पहले ऑल मैक का जिसमें आठ प्रोडक्ट प्रोडक्टर्म्स आ रही हैं विद दी एंड गेट अरे एंड गेट अरे से बेसिकली वो आठ प्रोडक्ट प्रोडक्टर्म्स आ रही हैं तो वो कनेक्शन देखते हैं वो कैसे हुआ हुआ, हुआ। और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसको प्रोग्राम कैसे करना है एक ऑल मैक का जो आउटपुट है बेसिकली इट इज़ गोइंग टू गिव यू ए सम ऑफ़ प्रोडक्ट टर्म्स सो वो सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स कैसे आएगा उसमें कितनी प्रोडक्ट टर्म्स हो सकती हैं बेसिकली अगर आप सोचें इसमें आठ प्रोडक्ट टर्म्स हो सकते हैं क्योंकि आठ इनपुट्स जो हैं वो और गेट पे कनेक्ट हो रहे हैं और ये आठ इनपुट्स कहाँ से आ रहे हैं एंड गेट अरे से आ रहे हैं इसी तरह अगर दूसरे ऑलमैक को देखा जाए उसके दस प्रोडक्ट टर्म्स आ रहे हैं एंड गेट अरे से तो इसका जो आउटपुट होगा अगेन सम ऑफ प्रोडक्ट होगा और कितने प्रोडक्ट टर्म्स होंगे दस हो सकते हैं सो ऑल टुगेदर अगर इस डिवाइस को देखा जाए कितने सम ऑफ़ प्रोडक्ट जो हैं वो जनरेट कर सकता है बेसिकली दस ऑलमैक्स हैं दस आउटपुट्स हैं सो दस सेपरेट सम ऑफ प्रोडक्ट फंक्शंस ये इम्प्लीमेंट कर सकता है सो so, आइए ज़रा देखते हैं इसका जो डिटेल कनेक्शन है ऑफ़ द फर्स्ट ऑलमैक विद गेट अरे अस हैव लुक एट द डिटेल सर्किट डायग्राम ऑफ द फर्स्ट ऑलमैक विद द एंड गेट अरे इसमें आपको सेट ऑफ़ वर्टिकल लाइंस नज़र आ रही हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं जो वर्टिकल लाइंस हैं वो uh, चार की ग्रुप्स में हैं आपको ग्यारह ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं सो so, ये जो ग्यारह ग्रुप्स uh, हैं वर्टिकल लाइंस के ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनपुट लाइन्स बेसिकली इधर आप इनपुट वेरिएबल्स अप्लाई करेंगे नीचे अगर आप uh, देखें उसमें एक इनपुट पिन नज़र आ रही है विच इज़ कनेक्टेड टू एन इनपुट बफर सो so, ये जो इनपुट बफर है वो इनपुट पे जो भी वेरिएबल अप्लाई कर रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंटेड एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म जो है वो कनेक्ट कर रहा है पहली दो वर्टिकल लाइन से इसी ग्रुप में अगर देखें दो इनपुट्स आ रहे हैं ऑल मैक्स सर्किट से जैसे हमने बताया था कि आउटपुट पेन है उसको आप कन्फिगर कर सकते हैं एज एन इनपुट पेन सो उधर जो भी आप वेरिएबल अप्लाई करेंगे वो वापस एंड गेट अरे के साथ कनेक्ट हो रहा है वो इधर आपको नजर आ रहा है पहली दो वर्टिकल लाइंस जो हैं वो इनपुट पे कनेक्टेड हैं नेक्स्ट टू वर्टिकल लाइंस जो हैं वो आउटपुट पेन के साथ कनेक्टेड हैं जिसको आपने कन्फिगर कर दिया एज एन इनपुट पेन इसी तरह जो नेक्स्ट सेट ऑफ फोर वर्टिकल लाइंस है वो एक दूसरे इनपुट पेन के साथ कनेक्ट होगा दैट मीन्स आप दूसरा एक वेरिएबल अप्लाई कर सकते हैं इसी तरह तीसरा चौथा पाँचवा छठा और बाकी जो फोर लाइन्स के सेट हैं उन पर डिफरेंट इनपुट वेरिएबल्स आप कनेक्ट कर सकते हैं सो so, ये जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं बेसिकली डिफरेंट वेरिएबल्स और इनपुट्स जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं वो शो कर रहे हैं कि वो 44 फ़ोर uh, लाइंस हैं या 44 फोर इनपुट्स हैं टू ईच एंड गेट ये 44 फोर इनपुट्स कैसे बने बेसिकली जी ए एल ट्वेंटी वी इसके 12 इनपुट्स हैं और 10 आउटपुट्स हैं तो बेसिकली 22 इनपुट्स हो सकते हैं हर इनपुट का एक अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट मिल रहा है और कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट मिल रहा है सो so बेसिकली हर इनपुट के 44 फोर हर इनपुट के दो आउटपुट मिल रहे हैं सिंस देयर आर ट्वेंटी देयर फोर यू हैव फोर्टी फोर लाइन्स सो जो आपको दस एंड गेट्स नज़र आ रहे हैं हर एंड गेट के इनपुट पे 44 फोर इनपुट लाइन्स हैं ये जो हॉरिजेंटल लाइन्स हैं ये रिप्रजेंट कर रही हैं बेसिकली प्रोडक्ट टर्म लाइन्स अब अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट इम्प्लीमेंट करनी है वो आप हॉरिजेंटल लाइन को एक वर्टिकल लाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे वो कैसे करेंगे बेसिकली हर सेल जो है हर इंटरसेक्शन पे एक सेल है ईस्क्वेयर सीमॉस सेल सो अगर इस डायग्राम में देखें बहुत सारे ईस्वे सीमॉस सेल्स मौजूद हैं जो इधर शो नहीं किए गए एंड गेट की आउटपुट्स को अगर देखें जो पहले दो एंड गेट्स हैं उनकी आउटपुट जो है ऑल मैक में नहीं जा रही या उनके साथ नहीं कनेक्ट किया हुआ है so, सो पहला एंड गेट जो है उसकी आउटपुट जो है वो रीसेट के लिए यूज़ हो रही है और ये कनेक्ट हुआ हुआ है सारे बाकी जो ऑल मैक्स हैं उनके साथ जो सेकेंड एंड गेट है उसकी जो आउटपुट है वो यूज़ हो रही है जो ट्राई स्टेट बफर है उसको कंट्रोल करने के लिए सो so, अगर इस सेकेंड एंड गेट का आउटपुट जो हाई होगा ट्राई स्ट्रेट बाफर एक्टिवेट हो जाएगा और आउटपुट पर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी अगर दूसरे एंड गेट का आउटपुट जो है लॉजिक लो हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा ट्राई स्ट्रेट बाफर डिसेबल हो जाएगा और ओपन सर्किट हो जाएगा दैट मीन्स जो जो आउटपुट पिन है वो कन्फिगर हो जाएगी एज एन इनपुट बाकी जो आठ एंड गेट्स हैं उनकी आठ टर्म्स जो हैं प्रोडक्ट टर्म्स जो हैं वो कनेक्ट हो रही हैं ऑलमैक के इनपुट के साथ इस ऑलमक में जैसे हमने पहले देखा था एक और गेट है सो एक एट इनपुट और गेट होगा जिसके साथ ये एट एंड गेट की आउटपुट्स आके कनेक्ट हो रही हैं लेट अस सी हाउ वी कैन प्रोग्राम दिस पर्टिकुलर आउटपुट इसमें अगर आप पहले ग्रुप में देखें आपके पास कुछ फ्यूजेस नज़र आ रहे हैं उसमें सो so, uh, ये फ्यूज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट टर्म्स एक्टिवेट हुई हुई हैं इसी तरह सेकेंड ग्रुप में थर्ड ग्रुप में फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स ग्रुप में कुछ फ्यूज़ नज़र आ रहे हैं सो so बेसिकली uh, इस डायग्राम से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि जो आउटपुट सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की एक्सप्रेशन आ रही है ऑलमैक uh, वन के उसमें छः लिट्रल्स हम यूज़ कर रहे हैं या छः वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं सो so, इनको हम वेरिएबल ए बी सी डी ई एंड एफ कह सकते हैं उसमें अब पहले गेट जो है एंड गेट जो कनेक्ट हुआ हुआ है ऑलमैक के साथ उसमें आप देख रहे हैं कि टर्म्स कनेक्टेड हैं सो लेट्स ए बी सी डी ई एंड एफ़ कनेक्ट हो रहा है सेकेंड जो एंड गेट है उसके साथ जो टर्म्स हैं लिटरल्स जो कनेक्ट हो रहे हैं वो ए बी बार सी डी बार ई एफ बार हो रहा है इसी तरह जो थर्ड एंड गेट है उसके साथ जो टर्म्स कनेक्ट हो रही हैं वो ए बार है बी सी बार डी ई बार एफ इसी तरह चौथा जो एंड गेट है उसमें जो इनपुट्स आ रहे हैं वो है ए बार बी सी डी ई एंड एफ बार जो आखिरी तीन एंड गेट्स हैं उनमें जो इनपुट्स आ रही हैं एक में आ रही है ए बी बार सी बार डी बार ई बार एफ जो सेकंड लास्ट है उसमें इनपुट टर्म्स आ रही हैं ए बार बी बार सी बार डी ई एफ और आखिरी वाला जो एंड गेट है उसमें जो टर्म्स आ रही हैं इनपुट टर्म्स आ रही हैं ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार जो ऑलमैक का आउटपुट है वो हमें मिलेगा और गेट के आउटपुट के थ्रू अब और गेट जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन देगा वो जो एक्सप्रेशन होगी वो होगी बेस्ड ऑन दीज सिक्स प्रोडक्ट टर्म्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं जो आखिरी ग्रुप है ऑफ़ फ़ोर वर्टिकल लाइन उसमें आपको एक फ्यूज़ एंड इंडेक्ट नजर आ रहा है बेसिकली आपने जो है ट्राई स्ट्रीट बफर को एक्टिवेट किया हुआ है सो द कंट्रोल लाइन इज़ हाई द आउटपुट ऑफ द और गेट इज़ अवेलेबल एट द आउटपुट टेन हमने गैल के सर्किट डायग्राम को देखा ऑल मैक के डिटेल सर्किट डायग्राम को देखा इन सर्किट्स पे डिस्कशन जारी रहेगी आइंदा लेक्चर में हम दोबारा मिलते हैं अपना ख्याल रखिएगा खुदा अस्सलाम वालेकुम।